एक माँ के लिए उसकी बेटी सब कुछ होती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए एक माँ आखिर किस हद तक जा सकती है। जब उसकी बेटी के पास्ट से एक काला सच जुड़ा हो तब वो माँ क्या करेगी? क्या वो अपनी बेटी को छोड़ देगी या फिर उसको बचाने के लिए वो सारी हदों को पार कर देगी? ये हम आज की कहानी में देखने वाले हैं। मूवी का नाम है साइलेंट हिल और ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के टोटल दो पार्ट है और सच बताऊं तो ये मेरी पर्सनल फेवरेट में से एक मूवी है। तो अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस मूवी की कहानी शुरू होती है रोज और उसके हस्बैंड क्रिस्टोफर से, जो कि अपनी बेटी शेरन को ढूंढ रहे थे। और रात को अचानक शेरन घर से गायब हो गई थी। घर के बाहर रोज को शेरन की टेडी बियर मिलती है और शेरन को ढूंढते हुए रोज एक पहाड़ की चोटी तक आ जाती है जहाँ पर शेरन खड़ी हुई थी और पहाड़ की चोटी से नीचे कूदने वाली थी, क्योंकि शेरन को उसके जैसे दिखने वाली एक डेमोनिक लड़की का विजन आ रहा था। लेकिन सही टाइम पर वहां पर रोज शेरन को आकर बचा लेती है। शेरन बार बार साइलेंट हिल का नाम बड़बड़ा रही थी और तभी उसको पैनिक अटैक आता है। अब क्रिस्टोफर भी यहाँ पर आ जाता है जो कि शेरन को संभालता है। अब रोज और क्रिस्टोफर की बातों से हमें पता चलता है कि शेरन के साथ में ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। सीन कट होता है और कहानी अब 2 साल के बाद से शुरू होती है, जहाँ पर शेरन ड्राइंग कर रही थी और रोज उसके पास में थी। शेरन को साइलेंट हिल की कोई भी बात याद नहीं थी, लेकिन रात को उसको हमेशा ही भयानक सपने आया करते थे और वो अक्सर नींद में चलती भी थी। डॉक्टर भी शेरन को ठीक नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए प्रॉब्लम का कारण जानने के लिए रोज शेरन को साइलेंट हिल की तरफ ले जाने लगती है। वहीं पर हम रोड पर लिखा हुआ एक साइन बोर्ड पढ़ते हैं जहाँ पर लिखा हुआ था कि इंसान हमेशा एंजल्स को जज करते हैं, लेकिन तब क्या होगा जब इंसानों के पापों से उनको जज किया जाएगा। और देखकर ही ऐसा लग रहा था कि ये साइलेंट हिल की तरफ का एक मैसेज है। दूसरी तरफ हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जिसको इंटरनेट से साइलेंट हिल के बारे में पता चलता है। उसे इंटरनेट से ही पता चलता है कि साइलेंट हिल एक बहुत ही भयानक जगह है और उसे एक घोस्ट टाउन भी डिक्लेयर किया गया है, जहाँ पर अक्सर लोग रातों में गायब हो जाया करते हैं। अब इस तरफ रोज एक गैस स्टेशन में रुकती है, तभी वो शेरन की अजीब ड्राइंग को नोटिस करती है। और ऐसी ड्राइंग कोई नॉर्मल बच्चे नहीं बनाते थे। रोज जब शेरन को उन ड्राइंग के बारे में पूछती है तो शेरन को तो याद नहीं था कि ये ड्राइंग्स उसने कब बनाई थी। फिर डर के मारे शेरन रोने लगती है और रोज उसे शांत करके कार में बिठाकर पास के एक कॉफी शॉप में जाती है। और तब वहां पर हैदर नाम की एक पुलिस ऑफिसर आती है जिसको शेरन नॉर्मल नहीं लग रही थी। दूसरी तरफ रोज को क्रिस्टोफर का कॉल आता है जो कि उसे साइलेंट हिल की तरफ जाने से मना करता है, लेकिन रोज उसकी बातें नहीं सुनती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शेरन रोज और क्रिस्टोफर की अडॉप्टेड बेटी है जिसको उन लोगों ने साइलेंट हिल के पास के ही एक ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था। अब कॉफी शॉप के बाहर आने पर हैदर रोज से बातें करती है, लेकिन रोज हैदर को इग्नोर करके अपने रास्ते आगे बढ़ती है। हैदर को रोज का बिहेवियर काफी अजीब लगता है तो इसलिए वो उसका पीछा करती है और रोज भी इस बात को जानकर अपनी कार की स्पीड तेज करती है। रोज को सड़क पर एक लड़की दिखाई देती है और उसको बचाने के चक्कर में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और तब रोज और शेरन बेहोश हो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब रोज की आंखें खुलती है तो साइलेंट हिल में थी और शेरन उसके पास में नहीं थी। रोज देखती है कि चारों तरफ बर्फ पड़ रही है, लेकिन टच करने पर उसे पता चलता है कि बर्फ नहीं बल्कि राख है, जैसे कि ये जगह सालों से आग में जल रही हो। वो पूरा टाउन काला पड़ा हुआ था और वहाँ की घरें और दुकानें सभी वैसी के वैसी पड़ी थी। तभी रोज को शेरन दिखाई देती है, लेकिन शेरन रोज से दूर भाग रही थी और रोज शेरन का पीछा करती है। शेरन का पीछा करते करते रोज कुछ स्टेज तक पहुँचती है जिसके नीचे जाने पर वहाँ पर बहुत ही अंधेरा था। रोज एक लाइटर जलाकर चारों तरफ देखने लगती है और शेरन को फिर से देखने पर रोज उसका पीछा भी करती है, लेकिन शेरन उससे फिर से खो जाती है। और तभी अचानक रोज को वहाँ पर कुछ डेड बॉडीज दिखाई देती है। अचानक से वहाँ पर ज़ॉम्बीज जैसे दिखने वाले वो डेड बॉडीज रोज का पीछा करने लगते हैं। रोज किसी तरह एक रूम के अंदर जाती है, लेकिन वो क्रिएचर रोज का पीछा नहीं छोड़ते हैं। रोज को कुछ हार्म करने से पहले वो क्रिएचर अपने आप ही गायब हो जाते हैं और रोज वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर के बाद में जब रोज की आंखें खुलती है तो वो एक अलग ही रूम के अंदर थी। फिर वहां से निकलकर रोज रास्ते में भागने लगती है। अपनी कार के पास जाकर रोज देखती है कि साइलेंट हिल से बाहर निकलने का रास्ता गायब हो चुका है, जिसे देखकर रोज बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी। अब उसी टाइम रोज के पास में दहिलिया नाम की एक औरत आती है जो किसी पागल औरत की तरह दिखाई दे रही थी। दहिलिया रोज को कुछ एविल लोगों के बारे में बता रही थी जिसने उसकी बेटी को उससे छीन लिया है, मतलब कि दहिलिया की बेटी भी गायब थी। रोज को दहिलिया की बातें समझ नहीं आती है। रोज उसको शेरन की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछती है। शेरन की फोटो देखकर दहिलिया अजीब बिहेव करती है और रोज से शेरन की फोटो छीनने की कोशिश करती है। रोज दहिलिया को धक्का देकर वहां से भाग जाती है और रास्ते में रोज को शेरन की ड्रॉइंग मिलती है, लेकिन शेरन वहां पर नहीं थी।
रोज क्रिस्टोफर को कॉल करके साइलेंट हिल के बारे में बताती है और उसे जल्दी से वहां पर आने को कहती है। अब वहां पर हैदर आती है और वो रोज को हैंडकफ लगाकर अरेस्ट कर लेती है। हैदर को लग रहा था कि रोज ने शेरन के साथ में कुछ बुरा किया है और इसीलिए वो उसे इतनी दूर तक लेकर आई है। अब दूसरी तरफ रोज का कॉल आने पर क्रिस्टोफर साइलेंट हिल की तरफ निकल जाता है और रोज का जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर क्रिस्टोफर को पुलिस मिलती है। रोज की कार वहीं पर थी लेकिन वो पुलिस ऑफिसर और क्रिस्टोफर को नजर नहीं आ रही थी और ना ही रोज को वे लोग नजर आ रहे थे, जैसे कि रोज एक अलग ही डायमेंशन में आ गई हो। दूसरी तरफ साइलेंट हिल में रोज और हैदर के पास में वैसे ही एक क्रिएचर आता है और हैदर उस पर गोली चलाती है जिससे कि उसका खून हैदर पर गिर जाता है। हैदर जब क्रिएचर के साथ में लड़ रही थी तो रोज वहां से भाग जाती है और रास्ते में रोज को शेरन की ड्राइंग मिलती है जिसमें मिडविच एलिमेंट्री स्कूल की ड्राइंग बनी हुई थी। फिर वहां से रोज उसी स्कूल की तरफ आती है और स्कूल के अंदर आने पर रोज कुछ रिलीजियस सिंबल को देखती है। रोज को वहां पर शेरन तो नहीं मिलती है लेकिन वहां की एक डेस्क पे विच लिखा हुआ था। डेस्क के अंदर रोज को किसी अलीशा की कॉपी भी मिलती है और रोज को कुछ विजन भी आते हैं जहां पर कुछ स्कूल के स्टूडेंट एक लड़की को बुली कर रहे थे और वो उसे विच बोल रहे थे। फिर उसी टाइम रोज को शेरन की आवाज आती है और रोज उस आवाज का पीछा करके बाथरूम तक आ जाती है। बाथरूम में रोज को एक और डेड बॉडी मिलती है जिसे कांटों के तारों से बांधकर मार दिया गया था और ये बहुत ही ज्यादा डरावना सीन था। डेड बॉडी के मुंह से रोज को एक की मिलती है जिसे लेकर रोज वहां से भागने वाली थी लेकिन उसे गैस मास्क पहने कुछ आदमी दिखाई देते हैं जिसे देखकर रोज खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। फिर कुछ देर के बाद में वो मास्क वाले आदमी वहां से चले जाते हैं लेकिन अचानक से एक सायरन बजता है और बाथरूम अपने आप ही बदलने लगता है और बाथरूम की डेड बॉडी जोम्बी की तरह रोज के पास में धीरे धीरे आ रही थी। दीवारों से कॉकरोचेस निकलकर रोज के पास आते हैं और वहीं पर रोज को शेरन दिखाई देती है लेकिन उसका बिहेवियर अब बहुत ही अलग लग रहा था। रोज बाथरूम से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी लेकिन तभी सही टाइम पर पुलिस ऑफिसर हैदर बाथरूम का डोर को तोड़कर रोज को बाहर निकालती है और बाथरूम डोर को बंद कर देती है और तभी 7 फीट का एक डरावना सा आदमी एक 10 फीट के तलवार से डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और हैदर उस पर लगातार गोलियां चला रही थी। फिर अचानक से सब कुछ पहले जैसा शांत हो जाता है और रोज और हैदर उस स्कूल से बाहर आती है। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर और पुलिस ऑफिसर रोज और शेरन को ढूंढने के लिए साइलेंट हिल के अंदर जाते हैं लेकिन यहाँ पर साइलेंट हिल उस साइलेंट हिल से बिल्कुल अलग था जिसमें रोज फंस गई थी। वो दोनों उसी स्कूल के अंदर आते हैं लेकिन वो स्कूल बिल्कुल नॉर्मल था। रोज जिस स्कूल के अंदर थी उसके जैसा भयानक नहीं था। दोनों एक ही जगह पर मौजूद थे लेकिन फिर भी दोनों को देख नहीं पा रहे थे जैसे कि उनके बीच में एक पर्दा हो या फिर दोनों अलग डायमेंशन में। और क्रिस्टोफर और थॉमस को साइलेंट हिल में कोई भी नहीं दिखाई देता है, वो बिल्कुल अबैंडन था तो इसलिए दोनों वापस चले जाते हैं। अब यहाँ पर बाथरूम की डेड बॉडी से मिली हुई चाबी रेड होटल की थी तो इसलिए रोज और हैदर उस होटल में आते हैं। वहाँ पर रोज को वही पागल औरत दिखाई देती है जिसने शेरन की फोटो छीनने की कोशिश की थी। उस औरत का नाम दाहिल्या था और दाहिल्या के साथ एना नाम की एक औरत थी। दाहिल्या उनको देखकर वहां से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ क्रिस्टोफर चोरी छुपके साइलेंट हिल के पुलिस रिकॉर्ड चेक करने जाता है जहाँ पर उसे शेरन की फोटो मिलती है लेकिन ये शेरन नहीं 1947 में पैदा हुई अलीशा थी जिसे किडनैप और एब्यूज किया गया था और उसकी मौत 9 साल की उम्र में आग में जलने की वजह से हो गई थी। सीन कट होता है और इधर रोज हैदर और एना शेरन को उस होटल में ढूंढ रहे थे। होटल के कुछ पेंटिंग से उनको पता चलता है कि वहाँ के लोग विच के शक में किसी को भी आग में जलाकर मार डालते थे और होटल में रूम नंबर 11 में रोज को अलीशा दिखाई देती है। उस रूम की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी और अलीशा रोज को चर्च जाने को कहती है। अब तक रोज भी समझ चुकी थी कि अलीशा शेरन की तरह दिखाई देती है लेकिन वो शेरन नहीं है। रोज एना और हैदर चर्च में जाने के लिए निकलते हैं लेकिन दाहिल्या रोज को चर्च के अंदर जाने से मना करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दाहिल्या अलीशा की माँ है और दाहिल्या के मुताबिक चर्च के लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हैं लेकिन रोज दाहिल्या की बातें नहीं सुनती है और एना हैदर के साथ में चर्च के अंदर चली जाती है। एना अभी भी बाहर थी और चर्च के अंदर जाते ही वो 7 फीट का बड़ा सा आदमी अचानक से पीछे से आता है। वो पहले तो एना के कपड़े उतारता है फिर उसकी चमड़ी एक ही झटके में उतार देता है और उसे चीर कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है जिसे देखकर रोज और हैदर हैरान हो जाती है। अब डर के मारे रोज और हैदर चर्च के दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पर चर्च के बहुत से लोग थे। रोज उनसे मदद मांगती है ताकि वो उसकी बेटी को ढूंढ पाए लेकिन तब चर्च की हेड क्रिजाबेला रोज की मदद करने के लिए सामने आती है। क्रिजाबेला कुछ लोगों के साथ में मिलकर एक प्रेयर करती है जिससे कि कुछ देर के लिए वहाँ की डार्कनेस हट जाती है और क्रिजाबेला रोज को बताती है कि उसकी बेटी डेमन के पास में होगी और वो रोज को एक गेट के पास लेकर जाती है जहाँ पर रोज को वो डेमन मिलेगा। जाने से पहले रोज के पास में क्रिजाबेला शेरन की फोटो देख लेती है जिसे देखकर क्रिजाबेला को बहुत गुस्सा आता है
और वो रोज को विच बुलाती है। चर्च के लोग रोज को मारने के लिए आते हैं और रोज को बचाने के लिए हैदर सामने आती है और रोज को डेमन को ढूंढने के लिए उसी डोर को खोलकर उसके अंदर जाती है। उस डोर के दूसरी तरफ बहुत ही तेज रोशनी थी और वहाँ पर एलिशा रोज का वेलकम करती है और उसको अपनी लाइफ की स्टोरी बताती। एलिशा डाहिलिया की बेटी थी जो कि मिडविच एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी और वहाँ के बच्चे एलिशा को विच मानकर उसे बहुत ही ज्यादा बुली करते थे। और एक दिन स्कूल का सफाई करने वाला एलिशा का रेपी भी करता है जिसका नाम रोन था और बाथरूम की डेड बॉडी रोन की ही थी। लेकिन वो ऐसा क्यों हो गया ये हमें आगे पता चलने वाला है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रिजाबेला दाहिले की सिस्टर है और एलिशा की आंटी। दाहिले शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी तो इसलिए क्रिजाबेला एलिशा को इविल मानती थी। क्रिजाबेला हमेशा से ही दाहिलिया से एलिशा को प्योर करने की बात करती थी लेकिन दाहिलिया अपनी बेटी को इविल नहीं मानती थी। लोगों के सामने क्रिजाबेला एक चर्च की हेड थी लेकिन असल में क्रिजाबेला का एक एविल कल्ट भी था। फिर एक दिन वो एलिशा को किडनैप करके रेड होटल ले जाकर अपने कल्ट के सामने डेविल के लिए एलिशा को जलाकर उसकी बलि देती है। दाहिलिया को जब इस बात का पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी थी और एलिशा पूरी तरीके से जल चुकी थी। और उस टाइम वहाँ पर पुलिस ऑफिसर थॉमस एलिशा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जिसमें उनके हाथ जल जाते हैं। यहाँ पर अब लोगों से तकलीफ और दर्द पाकर एलिशा के अंदर से एक इविल रूप और एक इनोसेंट रूप पैदा होता है। उसके इनोसेंट पार्ट से शेरिन पैदा होती है और एलिशा का एविल रूप पूरे साइलेंट हिल को बर्बाद कर देता है। उसको बुली करने वाले बच्चे जॉम्बी बन जाते हैं जो कि हमने मूवी में पहले देखे थे और उसका रेप करने वाला रॉन भी तड़प तड़प कर मरता है और वो भी एक जिंदा लाश बन जाता है। उस कल्ट के लोग साइलेंट हिल के बाहर नहीं जा पाते हैं और साइलेंट हिल दुनिया से अलग होकर एक अलग ही डायमेंशन में बस जाता है। एलिशा का इनोसेंट यह अच्छा रूप शेरन थी और उसको पुलिस ऑफिसर थॉमस एक ऑर्फनेज में रख देता है जहाँ से रोज और क्रिस्टोफर ने शेरन को एडॉप्ट किया था। शेरन एलिशा का ही एक पार्ट थी तो इसलिए साइलेंट हिल के विजन उसे अक्सर आया करते थे और शेरन को मारने के बाद ही साइलेंट हिल में फंसे हुए लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। तो इसीलिए इविल कल्ट के लोग और क्रिजाबेला शेरन की बलि देना चाहते थे लेकिन एलिशा अपने इनोसेंट रूप को मरने नहीं देती है और इसीलिए एलिशा रोज को पजेस कर लेती है। उसके बाद में रोज शेरन को बचाने के लिए चर्च की तरफ निकलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दाहिलिया ने शेरन को अपने घर पर छुपाकर रखा हुआ था ताकि क्रिजाबेला उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। लेकिन क्रिजाबेला के आदमी शेरन को ढूंढ लेते हैं और रेड होटल में क्रिजाबेला के पास आते हैं। यहाँ पर कल्ट के लोगों ने पुलिस ऑफिसर हैदर को भी बांध कर रखा हुआ था। क्रिजाबेला फिर हैदर को आग में जलाकर मार देती है। क्रिजाबेला शेरन को भी आग में जलाकर मारने वाली थी लेकिन उसी टाइम पर वहाँ पर रोज आ जाती है। रोज वहाँ पर सभी को क्रिजाबेला की सच्चाई बताती है कि किस तरह क्रिजाबेला ने एक मासूम लड़के की बलि दे दी थी। लेकिन कल्ट के सभी लोग क्रिजाबेला के साथ में मिले हुए थे तो रोज की बात वहाँ पर कौन सुनता। उसी टाइम क्रिजाबेला रोज के सीने में एक चाकू से वार करती है और तब रोज के सीने से एक ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है क्योंकि इस टाइम एलिशा ने रोज को पजेस करके रखा हुआ था। और एलिशा अपनी शक्तियों से हेल का गेट ओपन कर देती है जहाँ से डेमन के कुछ टेंटिकल्स निकलते हैं और वे सभी कल्ट मेंबर और क्रिजाबेला को बहुत ही बेरहमी से मार डालते हैं और उन सभी के खून की बारिश में एलिशा डांस करती है। और आज जाकर एलिशा का बल्ला पूरा हुआ था। रोज शेरन को अपनी आंखें बंद रखने को कहती है लेकिन गलती से शेरन आंखें खोल देती है और एलिशा अब शेरन को पजेस कर लेती है जो कि रोज को पता नहीं चलता है। फिर साइलेंट हिल का एनवायरमेंट अब पूरा चेंज हो चुका था। वहाँ पर सिर्फ एलिशा की माँ दाहिलिया ही जिंदा बच गई थी क्योंकि वो उसकी माँ थी और कोई भी अपनी माँ को नहीं मारता है क्योंकि सिर्फ दाहिलिया ने ही एलिशा के साथ में कुछ गलत नहीं किया था। और एक बच्चे के लिए कि माँ किसी भगवान से कम नहीं होती। उसके बाद रोज शेरन को लेकर अपने साथ साइलेंट हिल से घर चली आती है लेकिन असली में रोज अभी भी साइलेंट हिल में थी। एलिशा रोज का दिमाग कंट्रोल कर रही थी क्योंकि असली दुनिया में क्रिस्टोफर घर पर अकेला था जो अभी भी रोज और शेरन का इंतजार कर रहा था। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी में हमने एलिशा की कहानी को देखा जिसे उसकी माँ दाहिले बहुत ही प्यार करती थी। एलिशा एक नाजायज औलाद थी तो इसलिए सभी लोग व्रत करते थे और उसे बुली भी करते थे और उसे कभी भी प्यार नहीं मिला। क्रिजाबेला एक कल्ट की मेंबर थी जिसने डेमन को खुश करने के लिए एलिशा को जिंदा जला दिया और तब से एलिशा के मन में सभी के लिए नफरत पैदा हो गई। क्रिजाबेला ने एलिशा को विच समझा और उसे सबके सामने उसकी बलि दे दी लेकिन किसी तरह वो बच गई और उसके अंदर से उसका एक इविल और एक अच्छा पार्ट पैदा हुआ। एलिशा के इविल रूप से साइलेंट हिल के लोगों को साइलेंट हिल के अंदर कैद कर दिया और उसको बुली करने वाले बच्चों और उसका रेप करने वाले उस आदमी को एलिशा ने भयानक क्रिएचर में बदल दिया। साइलेंट हिल में एक साइरन बजता है जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि अब एलिशा का डार्क रूप आने वाला है और वो पूरे साइलेंट हिल को ही बदल देता है। क्रिजाबेला एलिशा के इनोसेंट रूप शेरन की भी बलि देना चाहती तभी वे लोग साइलेंट हिल से आजाद हो पाते लेकिन एलिशा ने हेल का गेट खोलकर क्रिजाबेला और सभी कल्ट के मेंबर को ही मार डाला। गलती से शेरन ये सब देख लेती है और उसी टाइम एलिशा शेरन को पजेस कर लेती है। फिर इसके बाद में एलिशा ने रोज के दिमाग में ऐसा दिखाया
जैसे कि रोज और वो रियल वर्ल्ड में आ गई है, लेकिन असल में तो रोज अभी भी साइलेंट हिल में थी, क्योंकि अलीशा को रोज में एक ऐसी माँ मिल चुकी थी जो उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, और इसीलिए अलीशा ने शेरन को पजेस किया और साइलेंट हिल को रियल वर्ल्ड की तरह दिखाकर वो रोज के साथ में रहने लगी। दोस्तों, ये था साइलेंट हिल के पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन। देखा जाए तो ये मूवी एक अधूरे एंड पर खत्म हुई है, जैसे कि रोज अब इस वर्ल्ड से निकल पाएगी या नहीं और आगे क्या होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप पहली बार इस चैनल आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा अब अगले वीडियो में।